हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार पक्षी राज आ चुके हैं, अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो स्टार्ट कर। चाहे वे स्वयं शचिपति इंद्र या पितामह ब्रह्मा ही क्यों ना हो। पितामह ब्रह्मा और आप तो जानते ही हैं, पितामह यानी इनके दादा। समस्त ब्रह्मांड में मैं सर्वश्रेष्ठ अस्त्र हूँ। आप मेरा उल्लंघन करके भीतर नहीं जा सकेंगे। यदि ऐसी बात है तो आप भी सुन लीजिए अस्त्र सुदर्शन। पूरे ब्रह्मांड में मेरे भी वेग और गति की कोई तुलना नहीं है। मैं समस्त चराचर के स्वामी का भार वहन करता हूँ। यदि मैंने अपना भार आप पर डाल दिया तो आप हिल भी नहीं सकेंगे। यदि ऐसा ही है तो आप अपने बल की परीक्षा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे मेरी मारक शक्ति के सम्मुख इंद्र का वज्र भी व्यर्थ हो गया था। पक्षीराज को प्रवेश की अनुमति है मित्र सुदर्शन। ये सुदर्शन जी है कौन है जी? ये भी बड़े शक्तिशाली लग रहे हैं। के सामने इंद्रदेव जी का द्वार फेल हो गया और वो भी बचा। और इन्होंने भी कहा ना पूरा वजन डाल दूंगी यहाँ पे मत्ता फलना होगा। ओ सत्कारा, स्वागत है पक्षीराज गरुड़। कुशल तो है पक्षीराज? आपके इस सेवक के लिए अकुशल असंभव है प्रभु। क्या आज्ञा है भगवान? आज वे हनुमान से मिलने की तीव्र आकांक्षा हो रही है, क्या आप जाकर शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आएंगे? जी प्रभु। हैं क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? हाँ हाँ, ये क्या? आप किस हनुमान की चर्चा कर रहे हैं स्वामी? किस हनुमान की? आप हनुमान को भूल गए विनीता नंदन? विनीता नंदन, मैं उसी हनुमान की बात कर रहा हूँ। बाल्यकाल में ही जिसने तपते हुए सूरज को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। क्या मतलब? जिसके भय से कांपते हुए भयंकर राक्षस राहु देवाधिपति इंद्र के पास भागता चला गया था। वही हनुमान जिसने देवराज इंद्र के वाहन गजराज एरावत को एक मन भावन खिलौना समझकर यत्र तत्र उछालना आरंभ कर दिया था। वही हनुमान जिसने रावण की सोने की लंका को एक घड़ी में ही जलाकर राख कर दिया था। एक घड़ी रावण की लंका को हनुमान जी ने जलाया। मैं संकट मोचन महाबली हनुमान की बात कर रहा हूँ। स्मरण आया पक्षीराज? जी प्रभु। ये तो है, किंतु त्रेता युग से अब तक कई लाख वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। क्या वो हनुमान अभी तक जीवित होंगे? हमारे हनुमान चिरंजीवी हैं। कल्पांत तक वो अपने इसी केसरी नंदन स्वरूप में रहेंगे। यदि ऐसा है तो इस धरा पर वो कहीं पर भी होंगे। भी खाने की कोशिश। मैं अपनी पैनी दृष्टि से उनका अन्वेषण करके शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आपकी पैनी दृष्टि पर मुझे कभी भी संदेह नहीं था वैंते। परंतु आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे हिम पुरुष वर्ष में जाएं। पुरुष वर्ष में वहां पर हेमकूट पर्वत के जिस भी शिखर पर आपको राम नाम का निरंतर जाप उठता सुनाई दे। भक्त शिरोमणि हनुमान आपको उसी पर्वत पर मेरे ध्यान में आसीन मिलेंगे। आप शीघ्र ही उन्हें मेरे समीप ले आइए। यदि यह कार्य आपने पवन देव को सौंपा होता तो कदाचित विलंब की संभावना थी। नहीं, ये गया और ये आया हनुमान के साथ। आपका वेग तो अतुलनीय है पक्षीराज। आज्ञा दे प्रभु। इनकी टसल आपस में हम दोनों जी। ये इनकी पक्षीराज जी और उनकी। हाँ, ये लग रहा है।
जिस तरह वो हुआ है ना, और अभी जिस तरह बोला ना कि रात में उनको काम सौंपा होता तो बड़ी देर लग जाती। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको अपने वेग का तिल मात्र भी अहंकार नहीं है। अच्छा ये रुकुनी जी के साथ सबसे बड़ी है ना। आए ओए बड़ी बांसुरी पक्षी राज यार, इसमें इसके ग्राफिक्स ऐसे हैं जैसे मतलब नेक्स्ट लेवल है। श्री ओरिजिनल जिस तरह श्री राम, अरे अरे आवाज आने शुरू हो गई श्री राम श्री राम, अरे 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 वो रे आई थिंक मोर श्री राम श्री राम, कितने बड़े पत्थर पे बैठे हैं। हाँ ये श्री राम श्री राम, आ गए भैया आ गए श्री राम श्री राम श्री, अरे यार भगवान श्री राम श्री राम श्री राम, आगे पक्षी राज श्री राम श्री राम राम अवतार के समय एक बार देखा तो था इन्हें, वही वानर आकृति है, शरीर से कैसा तेज निकल रहा है। जय श्री राम, आश्चर्य है इतना समय बीत जाने पर भी यह प्रतीत होता है जैसे अभी यौवन में प्रवेश किया हो। और यानी यंग हो गए, लाखों साल गुजर गए। हे वानर श्रेष्ठ, मैं विनिता पुत्र गरुड़ हूं, लोक प्रकाशक भगवान सूर्य के सारथी अरुण मेरे अग्रज हैं। ठीक है ओ आके खुली खुली भाई, बड़े बाप रे, आए 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 भगवान ज्ञान खुद सागर ओ 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 कौन हो तुम? राम के नाम। मैं कश्यप पुत्र गरुड़। श्री राम क्षमा करें, पक्षीराज हे वैंदे, आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? मैं जगतपति का भार उठाता हूँ, मुझे क्षति पहुंचा सके ऐसी कोई शक्ति संसार में नहीं है। निसंदेह कोई शक नहीं, आपकी शक्ति से कौन परिचित नहीं है। आप भगवान के प्रिय भक्तों में से हैं, आप पर उनकी विशेष कृपा रहती है, आज आपके पुनः दर्शन करके हृदय शीतल हो गया। आइए कुछ देर राम नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम श्री राम राम, ये संकीर्तन करने का समय नहीं है। राम श्री राम राम, भगवान श्री कृष्ण ने आपको तत्काल ले आने का आदेश दिया है। किसने आदेश दिया है? द्वारकाधीश यदुकुल भूषण हमारे स्वामी श्री कृष्ण ने। हाय श्री कृष्ण, मुझे उनसे क्या काम? क्या काम? वे परात्पर ब्रह्म गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण हैं।
क्षमा करें, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास हूँ। उनके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता। हे वानर, चिरंजीवी आप अवश्य हो गए हैं। किसी को नहीं जानता, सिर्फ स्वयं राम। किंतु आप निरीह वानर ही रहे। देखिए, स्वेच्छा से चलिए, अन्यथा अन्यथा आपको बांध कर ले जाने के लिए मेरे पास पाश भी हैं। क्या है भाई? मतलब बांध के लेके जाएंगे इनको भाई? सीधा सीधा भगवान हनुमान जी ने बोल दिया कि मैं तो भाई भगवान श्री राम जी का मतलब कि उनका वो हूँ भक्त हूँ मैं तो भाई, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं जानता। वो कह रहा कि मैं आपको बांध के लेके जाऊंगा। लाला जो सूरज को खाने को निकल जाए। यार मुझे इस चीज का बड़ा शौक लगा, जिस तरह भगवान कृष्ण जी ने बताया कि भगवान मतलब के हनुमान जी वही हैं जिन्होंने एक दफा सूरज को खाने की कोशिश की। मतलब सोचो सूरज को खाने की उन्होंने कितना मतलब तेज होता है, और खुद सोच के सूरज की जो रोशनी आती है अबे कितना गर्म होता है, कितना गर्म होता है। उसको कह रहे फल समझ के खाने की कोशिश की। अबे फ्रूट सूरज को ये दिमाग में नहीं आते, ये हनुमान जी के बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता चलनी कि कितने शक्तिशाली थे यार। और ऊपर से जब वो जो उन दोनों की आपस में टसल चल रही थी भाई अपने ये सुदर्शन जी क्या नाम है उनका, इसी तरह तो वो भाई भगवान कृष्ण जी ने जब उनको लेके आने का बोला कि हनुमान जी को आप ले आए, लेकिन वो भी तभी कहते हैं अगर आप उनको सुदर्शन जी को बोलते तो भाई साहब वो भी लेट लगा, लेकिन मैं यूं गया और यूं आया। लेकिन एक बात बताऊं, ये भी बड़ा शक्तिशाली है पक्षीराज जी। पक्षीराज जी ऐसे वैसे देख ना किस तरह उड़ के गए, और वो भी जो इनको रोक रहे थे वो भी ज्यादा शक्तिशाली है भाई। सॉरी, क्योंकि ये कह रहा ना एक दफा मैं अगर आपके ऊपर बैठ गया तो आप फैल नहीं सकोगे। हाँ, लेकिन भाई भगवान मतलब कि हनुमान जी एक ही नाम चलते श्री राम श्री राम श्री राम, इसके अलावा तो कोई नाम ही नहीं था उनके यार लबों पे। लेकिन अब और हम आगे देखते क्या भाई हनुमान जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, तो वॉच करेंगे तभी आगे आइडिया लगेगा। तो